आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे हिंदू परंपरा में जो कान छिदवाने की जो परंपरा है, ये जो हमारा कान है ना, ये जो मैंने भी छिदवाया हुआ है, जो औरतें होती हैं जो स्त्रियां होती हैं तो छिदवाती हैं, लोग दोनों कान भी छिदवाते हैं, तो इसका जो वैज्ञानिक और धार्मिक लाभ है उसके बारे में हम आपको बताने चाह रहे हैं। सनातन धर्म विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी हर परंपरा विज्ञान आधारित है। इसमें कान छिदवाना सिर्फ परंपरा नहीं है बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण जुड़े हुए हैं जो कई बातों से महत्वपूर्ण है। कान छिदवाने की परंपरा कोई आज की नहीं है। आप देखते होंगे पहले के फोटोज भी आप देखते होंगे जो हमारे रामायण काल के बीते, वहां पे जो हमारे योद्धा होते थे, जो हमारे राजा लोग होते थे, वो कुंडल पहनते थे। तो कान छिदवाने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन अब तो ये भारत में ही नहीं बल्कि कई देश के जो लोग हैं वो कान छिदवा रहे हैं। एक जो वैज्ञानिक आधार मैं बता देता हूँ, फिर तो मैं लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन करूँगा और बताऊँगा आपको। दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इसे सोचने की शक्ति बढ़ती है इन नट शेल, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इसे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाले जो नस है उसमें रक्त संचार जो है वो नियंत्रित रहता है। अब हम इसके मेजर फायदे पे आते हैं, वैज्ञानिक कारण पे भी आते हैं। मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है जो पहला फायदा है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है जिससे आपकी बौद्धिक योग्यता बढ़ती है। इससे पहले के समय में गुरुकुल में जाने वाले हर विद्यार्थी को कान में छेद करवाना आवश्यक होता था, तो इससे उसकी दिमागी क्षमता में वृद्धि होती थी और विद्यार्थी बेहतर ज्ञान की प्राप्ति करता था। फिर प्रजनन क्षमता, कान में छेद करवाना महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि कान के बीच की सबसे खास जगह जिसे प्रजनन के लिए जिम्मेदार माना जाता है न केवल पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है बल्कि महिलाओं के अनियमित पीरियड्स की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। दरअसल कान के निचले हिस्से के बीच में यहां पे एक्यूप्रेशर का एक विशेष केंद्र बिंदु होता है और जब इस पर दबाव पड़ता है तो हमारे शरीर की जो नसें हैं वो एक्टिव हो जाती है। तो ऐसे में कान छिदवाने से हमें कई सारे स्वास्थ्य लाभ मिल जाते हैं और यही कारण है कि प्राचीन समय में स्त्री और पुरुष दोनों ही कान छिदवाते थे। मानसिक विकास होता है, शास्त्रों के अनुसार कान के निचला हिस्सा जो होता है जिसे अंग्रेजी में ईयर लोब्स कहते हैं, इसका केंद्र बिंदु मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्ध से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे में जब केंद्र बिंदु पर छेद किए जाते हैं तो इससे दिमाग एक्टिव रहता है जो मैंने आपको बताया ऊपर, और फिर मानसिक विकास होता है सही तरीके से होता है। यही वजह है कि पुराने समय में बच्चे का कान उसी समय छिदवाया जाता था जब से बच्चे का दिमाग विकसित हो रहा हो। बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, यही वजह है कि प्राचीन काल में गुरुकुल पढ़ने जाने से पहले हर बच्चे की मेगा शक्ति को बढ़ाने के लिए उसके कान छिदवाए जाते थे। आंखों के लिए फायदेमंद होता है, कान के एक्यूपंक्चर केंद्रीय बिंदु पर दबाव से आंखों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, कान स्वस्थ रहते हैं। कान छिदवाने से आपके सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, आपका पाचन तंत्र जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो अच्छा रहता है। कान के एक्यूप्रेशर पॉइंट का पाचन तंत्र से खास संबंध है, इसलिए पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए कान छिदवाए जाते हैं। लकवा से भी बचाव करता है जो पैरालिसिस है, इन सारे स्वास्थ्य लाभ के साथ लकवा से बचने के लिए भी कान छिदवाया जाता है। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है कि कान छिदवाने से लकवा से एक तरह से बचाव हो जाता है। तो ये जो कान छिदवाना हमारे देश में बहुत पहले से चला आ रहा है। बेसिकली साइंस के अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, सबसे बड़ा फैक्ट। उसके बाद कान छिदवाने से कई प्रकार के इन्फेक्शंस, पुरुषों में ज्यादा देखी जाने वाली हर्निया की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसके साथ आंखों की रोशनी तो मैंने आपको बताया कि बढ़ती है। अब
हम आपको और भी एक दो फायदे बताएंगे जो पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है। कान छिदवाने से जैसे लकवे का तो शिकायत शायद नहीं होगा, और साथ ही पुरुषों के पुरुषत्व को संचित करने में भी लाभदायक होता है। कान छिदवाने से कई प्रकार के इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, हाइड्रोसिल और पुरुषों में देखी जाने वाली हर्निया की समस्या दूर हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा व्यक्ति के चेहरे पर चमक और कांति आती है और व्यक्ति के रूप में निखार आता है। अब आप पूछेंगे कि कान स्वस्थ कैसे रहता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कान अच्छा रहता है, कान के छेद वाले हिस्से पर दो बहुत जरूरी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मौजूद होते हैं, मास्टर सेंसोरियल और दूसरा मास्टर सेरिब्रल। यह पॉइंट सुनने की क्षमता को सही बनाने रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के अनुसार टिनिटस के लक्षणों से राहत पाने के लिए कान छिदवाना बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद यदि आप बहुत ज्यादा मोटापे से परेशान हैं, तो फिर मोटापे के हिसाब से भी आपके वजन को कंट्रोल रखने में भी ये काफी फायदा देता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।